अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको होटल जैसी चाप बड़ी सिखाना चाहती हूँ कि कैसे होटल जैसी चाप बड़ी स्वादिष्ट बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चाप बड़ी को नॉर्मल पानी में आधा एक घंटे के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि ये फ्रीजर से निकला हुआ है, तो इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था। अब ये धीरे धीरे इसकी जो स्टिक है, ये स्टिक होती है आइसक्रीम जैसी, इसको धीरे धीरे, देखिए दोस्तों, ये स्टिक को धीरे धीरे आपको घुमा घुमा के ऐसे निकालना है। ये देखिए, अब ये देखिए, धीरे 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 ये स्टिक को ऐसे निकालना है। देखिए दोस्तों, ये चाप बड़ी को अब धीरे धीरे ऐसे करके इसको काटेंगे। मैंने नॉर्मल पानी में इसको भिगोया था 1 घंटे के लिए, क्योंकि चाप बड़ी फ्रीजर में ही रहती है तभी अच्छी बनती है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चाप बड़ी कट चुकी है। इसकी स्टिक मैंने स्टिक से इसको अलग कर दिया और दूसरी तरफ मैंने ऐसे ये प्याज काट कर रख दिया ऐसे ऐसे। अब हमारे थोड़ा हमारे को तेल डालना है थोड़ा सा। चाप बड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हमारे को अपना ये प्याज हमारे को हल्का सा ब्राउन करके भूनना है। इसमें मैंने साथ में अदरक भी डाल दिया और ये लहसुन भी डाल दिया। इसमें हल्का हल्का सा आप भूने, सुनहरा हल्का सुनहरा। तो दूसरी तरफ हमारे को अब अपने टमाटर की ग्रेवी बनानी है। उसके लिए हमें ये देखिए, दूसरी तरफ हमारे को ये टमाटर डालना है। ये देखिए दोस्तों, टमाटर हमने मिक्सी में काट के डाल दिया, 3-4 टमाटर। और अब हमारे को अपना प्याज हल्का सुनहरा भून के इसको भी हमारे को मिक्सी में पीस के डालना है। ये खड़ी मिर्च भी डालनी है। ये देखिए दोस्तों, ये और ये खड़ा मसाला भी डालना है। ये देखिए हमारे को अपना ये मसाला हल्का ही भूनना है। ये देखिए, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब हमारा ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। ये ऑयल डालना है, होने देना है जब तक धुआं ना उठे, और अपनी चाप बड़ी इसमें फ्राई करनी है, मिक्सी में ग्राइंड करना है। ये हमारा मिक्सी में वो जो प्याज मैंने भुना था वो ग्राइंड हो चुका है, अब वहाँ उठ रहा है। और अब धीरे धीरे हमारे पास में चाप बड़ी इसमें डालनी है। देखिए का सुना था, अपनी चाप बड़ी हमारी हो चुकी है। अब हमारे को इसको निकाल के रखना है। हमारी चाप बड़ी फ्राई होकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। ये देखिए, ये देखिए, मैं अपनी कढ़ाई में मैंने ऑयल निकाल दिया, थोड़ा सा तेल छोड़ा है, थोड़ा सा जीरा डालना है, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल दिया, थोड़ा मैंने तेज पत्ता भी डाल दिया। ये देखिए, अब हमारा ये जो तड़का है ये ब्राउन हो चुका। ये देखिए, अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले इस पर हल्दी डालना है। ये जो मेरा ग्रेवी बना हुआ है ना, ये ग्रेवी का पेस्ट टमाटर और सारा प्याज वगैरह ये सब डाल दिया। ये देखिए, नमक डालना है स्वाद के अनुसार, जितना आप लोग खाते हैं उसके अनुसार। ये देखिए, अब आप क्या करना है, ये जो आपका ये है ना, ये इस पर छोड़नी है चाप बड़ी। ये देखिए, ये चाप बड़ी इस पर छोड़ी हमने। थोड़ा हम इस पर पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारा ग्रेवी चाप बड़ी में अंदर तक चला जाए। और ये गरम मसाला थोड़ा डालना है, थोड़ा हरा धनिया भी डालें है। इसको ढक्कन दे देना है और ये 5-6 मिनट पकने देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी चाप बड़ी कितनी सुंदर बनकर तैयार है। ये देखिए, आप ऐसे बनाएं, ये होटल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है दोस्तों। और अपने परिवार के साथ खाएं, कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म बनाएं और अपने परिवार के साथ इसको खाएं। तो दोस्तों, अगर आप सबको ये मेरी
चाप बड़ी पसंद आई हो तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, और अपने परिवार के साथ भी बनाएं और इसको खाएं।